पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है, रोज संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने फिर रजौरी के लाम सेक्टर में गोलाबारी की। इस गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया जबकि एक अन्य घायल है। घायल जवान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू के व्यापारियों ने इस बार त्योहारी सीजन में चीन को आईना दिखा दिया। जम्मू के व्यापारियों और दुकानदारों ने दिवाली समेत अन्य त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की बिक्री की। जम्मू में अब तक 500 करोड़ का कारोबार हुआ जिसमें 90% से अधिक सामान भारत में बना बेचा गया। जम्मू नगर निगम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियम लागू करते हुए दुकानदारों को साफ सफाई के एवज में 200 रूपए प्रतिमाह वसूल करेगा। शोरूम और बड़े दुकानदारों को 500 रूपए प्रतिमाह देने होंगे। यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को डीडीसी चुनावों तथा उपचुनावों में निर्भीक होकर चुनाव प्रचार करने की अपील की है। सरकार सभी इंतजाम करेगी। चुनाव से केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों को मजबूती मिलेगी। जम्मू के नगरोटा बंद टोल प्लाजा के पास मारे गए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों से बरामद हथियारों के जखीरे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन से पहले हथियार सीमा के इस पार गिराए गए थे और स्लीपर सेल की मदद से आतंकियों तक पहुंचाए गए। कई सप्ताह के इंतजार के बाद आखिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। इससे कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होगी, वहीं नए आने वाले मरीजों को भी परेशानी नहीं होगी। डीसी सांबा रोहित खजूरिया की देखरेख में अतिक्रमण विरोधी अभियान दल ने जेबीसी की मदद से शेड, फुटपाथ, चार दीवारी और कई संरचनाओं को ध्वस्त किया। अभियान के दौरान 157 कनाल जमीन को मुक्त कराया गया। जम्मू कश्मीर हाईवे पर नगरोटा में मारे गए जैश के आतंकी लगातार अपने पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। तलाशी के दौरान उनके पास से डिजिटल मोबाइल रेडियो भी बरामद किया गया है। इस मोबाइल रेडियो की जांच के दौरान कुछ संदेश भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर में ओला उबर की तर्ज पर डिजिटल टैक्सी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कंपनी एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड फर्म डिजिटल टैक्सी सेवा की लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। महामारी के कारण कुछ राज्यों को मजबूरन प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान में नए मरीजों की संख्या अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया तो वहीं राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 46,232 नए मामले सामने आए तो वहीं 564 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 90,50,558 हो गई है तो वहीं अब तक देश भर में कोरोना से 1,32,726 मरीजों की मौत हो चुकी है। कश्मीर घाटी की अवंतीपुरा पुलिस ने आज दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल और पंपोर इलाके से 2 आतंकवादियों के मददगारों को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। ये दोनों आतंकियों को हथियार, गोला बारूद, खाने पीने का सामान व रहने छुपने की व्यवस्था करते थे। नगरोटा मुठभेड़ को लेकर भारत सख्त हो गया है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब कर कड़े शब्दों में इसका विरोध जताया है। भारत के करीबी दोस्त फ्रांस ने पाकिस्तानी सेना को करारा झटका दिया है। फ्रांस ने पाकिस्तान को मिराज फाइटर जेट और अगुस्ता 90B क्लास सबमरीन को अपग्रेड करने से मना कर दिया है।